उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के थाना कवि नगर क्षेत्र के अंतर्गत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना कवि नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला का जला हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जले हुए शव की सूचना गाजियाबाद पुलिस को दी गई। मौके पर गाजियाबाद की पुलिस के आला अधिकारी व फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। वे फिलहाल महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर पता चला कि महिला की पहले ही मृत्यु हो गई है। फिलहाल महिला के शव की शिनाख्त की जा रही है कि महिला कौन है, कहां की रहने वाली है और यहां पर इसका शव क्यों मिला है, तो फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है। फिलहाल आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये घटना किसने की है और ये महिला कौन है और ये आखिर घटना किसने की है। तो आइए देखते हैं इस खास खबर क्या है पूरा मामला। हमारे साथ हैं गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। कल रात्रि को थाना कविनगर क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र चौकी के मुखर्जी पार्क के पास ये सूचना मिली कि एक जली हुई डेड बॉडी मिली है जो कि एक महिला की है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं फॉरेंसिक टीम को बुला के साक्ष्य संकलन कर दिया गया है। इसका जो पोस्टमार्टम है वो एक डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में करवाया जा रहा है एवं महिला की शिनाख्त हेतु डीएनए को प्रिजर्व करा जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे सीसीटीवी की टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही साथ जितनी भी जनपद के थानों में गुमशुदगियां एवं आसपास के जनपद के थानों में गुमशुदगियां हैं उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। थाना कवि नगर क्षेत्र के अंतर्गत मुखर्जी पार्क के पास से आज एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी जली हुई अवस्था में सड़क पर पड़ी हुई है, जिससे पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच गई है। बॉडी को लेकर हॉस्पिटल तथा जो और कार्रवाई अपेक्षित है उनके लिए भेजा गया है। महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र इस पूरी घटना का निवारण किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।